हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सॉलिड पिल शेल स्टिच। ये बनाना बहुत ही आसान है, ये बनाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं, एक ही रंग से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इससे आप बेबी ब्लैंकेट या बैग वगैरह कुछ भी बना सकते हैं जो आपका मन चाहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो रंग की ऊन ली है और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। ये डिज़ाइन हमारा मल्टीपल ऑफ 6+2 पे बनता है। 6 चेन करके ऐड करते जाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है आप ऐड करते जाएं। मैं ये सैंपल बना रही हूँ तो मैं 18 चेन बनाऊँगी। तीन चेन बन गई मेरी। अब 6+2 है तो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1, 2, ये 2 चेन हमने बना ली। अब एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। बस इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में। अगर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नहीं तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको कलर चेंज करके बता रही हूँ। ये दूसरा कलर यहीं पे आप जब आप सिंगल क्रोशिया बनाएं तभी आप इसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ एक नॉट लगा देंगे ताकि सिक्योर रहे। सिक्योर कर देंगे नॉट लगा के ताकि ढीला ना पड़े।
ये हो गया। अब रो टू के लिए 3 चेन बनाएंगे। वन टू थ्री चेन बना ली और वर्क को टर्न करेंगे। फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे, टोटल 3 रहेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके बीच वाले 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो बीच में सिंगल क्रोशिया है प्रीवियस राउंड में जो हमने बनाया था वहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से जो 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमने प्रीवियस रो में सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह इसको रिपीट करते जाना है, बस ये 2 रो ही रिपीट होती जाएगी। 2 रो में ये डिज़ाइन बन जाता है। ये बन गई 5। फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट में सिंगल क्रोशिया है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री। और यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैं कह रही हूँ एक सेम कलर से भी आप बना सकते हैं। मैं ये आपको बता रही हूँ कि चेंज भी कर सकते हैं, बस यहाँ एक नॉट लगा देंगे जिससे ये ढीले नहीं ढीला ना पड़े। ये हो गया। फिर ये राउंड 1 की तरह ही बनेगा। एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे और डायरेक्ट ही हम जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है बीच में वहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड 1 की तरह ही बनेगा। पांच हो गए। फिर जो 5 हमने प्रीवियस रो में बनाए थे उसके तीसरे डबल क्रोशिए के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सिंगल क्रोशिए की जगह में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बस इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। ये रो हमारी ऐसे ही बनेगी रो 1 की तरह, बस रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 करके रिपीट करते जाएंगे। ये डिज़ाइन आपका बनते जाएगा, आपको जितना बड़ा बनाना है आप बनाते जाएं। मैं आप सबके लिए इजी ही डिज़ाइन लाती हूँ ताकि बिगनर्स भी आसानी से बना सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सिंगल क्रोशिए में 5 डबल क्रोशिए और डबल क्रोशिए के ऊपर एक सिंगल क्रोशिए, बस इसी तरह ये टो बनती जाएगी। ओके, 4, ये 5वां हो गया। लास्ट में जो हमने प्रीवियस रो में 3 डबल क्रोशिए बनाए थे, उसके सबसे थर्ड वाले डबल क्रोशिए में सिंगल क्रोशिए बनाएंगे। फिर आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये सेकंड राउंड की तरह बनेगा। फर्स्ट सेकंड इसी तरह रो बनती जाएगी। 1 बनेगी, फिर 2 रो बनेगी, फिर 1, फिर 2 रो बनेगी, इसी तरह आप बनाते जाएंगे जितना बड़ा आपको बनाना है।